माता को श्राप मिला कि कलयुग में तुम बिष्टा खाओगी। क्यों मिला? इसके कई कारण हैं। एक कारण बताया अष्टांगी माता ने श्राप दिया, लेकिन जब ब्रह्मा और विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ, दोनों में लड़ाई हुई कि हम यहां से बड़ा कौन है, तब एक जलता हुआ स्तंभ शिवलिंग का प्रतीक माना जा सकता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तुम दोनों की लड़ाई तभी खत्म हो सकती है कि तुम इस स्तंभ का पता करो, इसका अंतिम छोर और शुरुआत कहां से है। तो देखिए विष्णु जी नीचे गए पाताल लोक की ओर छोर को पता करने के लिए, वो ब्रह्मा जी ऊपर गए, लेकिन उस स्तंभ का कहीं अंत नहीं मिला, ना ही शुरुआत मिली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब वापस आए, कई वर्षों तक कई बीते थे, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे इसका छोर इसकी शुरुआत पता चल गई है। पूछा साक्षी कौन है? तब देखिए ब्रह्मा जी ने एक गौ माता को साक्षी बनाया, कहा ये मेरी साक्षी है और ये केतकी का फूल भी साक्षी है। तब श्राप मिला कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला है, तुम जाकर कलयुग में इसी मुख से पिष्टा खाओगी और तुम्हारे मुख का पूजन कभी नहीं होगा। आज भी हिंदू पौराणिक धर्मों में, हिंदू पौराणिक कथाओं में, हिंदू सनातन धर्म में यह है कि गाय माता की पूजा पीछे से ही होती है। बची बात बिंदी की, आजकल महिलाएं बिंदी छोटी क्यों कर देती हैं? पहले सिंदूर यहां से ऐसा पूरा मांग में भरती थी, अब कहीं भी इधर लगा लिया उधर लगा लिया। तो ये प्रभाव राजा परीक्षित के समय की बात है। राजा परीक्षित ने जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ और सोने में स्थान दिया, राजा परीक्षित का मुकुट सोने का था, कलयुग मुकुट में जाकर बैठ गया और राजा की मति फिर गई। उसी प्रकार से महिलाओं का श्रृंगार, महिला यहां से लेके माथे तक ऐसी बिंदी और कई आभूषण सोने के पहनती हैं, इसलिए ये वही श्राप है, ये वही है जो परीक्षित ने कहा कि जो भी होगा कलयुग में सब उल्टा होगा। तो पहले त्रेता युग में सतयुग में महिलाएं बड़ी टीकी लगाती थी, मांग भरती थी, आजकल कलयुग में उसी श्राप का प्रभाव है। सुंदरकांड से निर्देश मिला था, कोई पीछे से गा रहा है, कोई आगे से गा रहा है। अभी एक मंडल ने समुद्र को बाहर निकाल कर मणियों का थाल दे दिया, सुंदरकांड खत्म, सकल सुमंगलदायक है। फिर एक मंडल आया, उसने सुख का बता दिया, उसके बाद का जो आगे का प्रसंग है वो पहले ही गा चुके हैं लोग। तो आइए जो प्रसंग छूटा है मैं सुंदरकांड से आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरी बात पसंद आए तो ताली बजाओ, करूं ऐसा? परम आदरणीय प्रकाश जी ध्रुवे डाबरी, श्री धनलाल जी यादव जी डोडरा मऊ, श्री दिनेश जी यादव कपरिया, श्री गुलाब जी ध्रुवे टिमरनी, श्री रामू जी काजले टिमरनी, श्री ईश्वर जी काजले टिमरनी, आपकी ओर से 1101 रुपए का आशीर्वाद। आप सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां, एक बार मंडल के उत्साह वर्धन के लिए बजाइए। कुछ मंडलों ने केवल वार्ता ही वार्ता बताई, लेकिन भजनों के माध्यम से आप सुनने जा रहे हैं कि ये भजन दोहा नंबर 3 जो बात करके निकल गए कि समुद्र पार हुए और विभीषण से मिल गए, इसके बीच में लंकनी भी मिली है हनुमान जी की, लंकनी मिली, ब्रह्मा जी का वो वरदान याद कराया हनुमान जी ने। आप सुनेंगे दोहा क्रमांक 3।
मन की अति लघु रूप धरो निसी नगर करो चार बना। लंका का ऐसा भव्य सौंदर्य देखा था, सोने से जड़ी हुई लंका। तब विचार किया किसमें किस प्रकार प्रवेश करूं, एक सूक्ष्म रूप लिया, लेकिन उस सूक्ष्म रूप को भी लंका की पहरेदार नंदिनी ने देख लिया और कहा कहा जाता है ये लंका है और मैं यहाँ की पहरेदार हूँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तू चोरों की भांति अंदर घुसने की चेष्टा करता है। तो आइए भजन सुनेंगे, समय का अभाव। परम आदरणीय श्री दुर्गेश जी दुर्गेश जी सरपंच साहब छिंदा पानी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। तो देखिए हनुमान जी से लंकनी ने क्या कहा, मेरे पहरे से हो मेरे पहरे से मेरे पहरे से चोरियां न छुपती चला है अखियां आंख मीच कर किधर जाता है, देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, हो तुझे देखे से भी तुझे मौत नहीं दिखती चला है अखियां, हर चला है अखियां। लंगड़ी ने कहा ये फेंका फेंकी नहीं है, कुछ भी रामचरितमानस आप खोल के देख लो, उसमें जो लिखा है मैंने भजन में वही लिखा है, जान ही नहीं मर मूसट मोरा मोर आहार जहां लगी छोरा, तू मुझे जानता नहीं मैं तेरी मौत हूँ, तू मेरा आहार बनने आया है क्या कहने लगी। अरे चला है अखियां राम जी का दास हूँ, यहाँ से गुजर रहा था मैंने बड़ा सुंदर नगर देखा तो सोचा इसमें मैं प्रवेश करके इसके सौंदर्य को देखूं। तुम मुझे चोर कहती हो, हम तो राम भजने वाले हैं। देखिए हनुमान जी ने लंकनी से क्या कहा, इसलिए ये पहरा हटा दो, मुझे लंका में प्रवेश करने दो। क्या कहा, अरे ये पहरा
लिए। अरे ये पहला हाथा दो जरा लड़का दिखा दो कहा। अरे हम राम भजने वाले हैं कोई चोर अरे हम राम के दीवाने हैं कोई और नहीं भैया कहा। ये पहला हाथा दो जरा लड़का दिखा दो अरे हम राम भजने वाले हैं कोई चोर अरे हम राम के दीवाने से खून निकलने लगा। तभी ब्रह्मा जी का वो वरदान याद आया कि जब भी कोई तेरे मुख पर कोई वानर आकर प्रहार करेगा तू घबरा कर जमीन पर गिर जाएगी तेरे मुख से खून की धार निकलेगी। तब सोचना कि लग्न का विनाश निश्चित है तो क्या हुआ मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई सेन किए देखा घटते ही मंदिर नहीं दिखी बेदे ही फिर क्या देखा संपूर्ण लंका में हनुमान जी ने घूम घूम कर देखा माता सीता का कहीं पता नहीं चला। तब क्या अचरज देखते हैं भवन ने पुनीति सुहावा हरि मन मंदिर ते ही एक ऐसा मकान देखा एक ऐसा भवन देखा जिस पर श्री हरि के आयुध चिन्ह बने हुए हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जा नव तुलसी का वृंद देख हरस कपि। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा ऐसा यहाँ कौन है जो भगवान श्री राम जी का दास है। देखिए क्या लिखा तेमरवाल जी आपकी ओर से 101 रुपए तो देखिए क्या हुआ। बड़े प्रसन्न हुए मन में हर्ष हुआ और मन में विचार करते हैं
राम दीवाना देख नजारा खो गया। अरे कौन यहाँ पे राम दीवाना हो गया, खुश हो गया खुश हो। एक बार जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली। क्या कंजूसी यार, ताली में कंजूसी। खुश हो गया खुश हो गया खुश हो गया राम दीवाना देख नजारा खो गया। अरे कौन यहाँ पे राम दीवाना हो है। राम दीवाना देख नजारा खो गया, तो यहाँ पे राम दीवाना हो कथा मंडलों ने गा दी थी। हेलो बड़े भाई, मेरा एक विशेष निवेदन कि 5 मिनट बाद फाइनल है, मतलब आरती करेंगे अपन, तो इसलिए मेरा निवेदन है मन पसंद रचना और पूरी जनता एक बार तरोताजा होके घर जाए। ऐसी एक धुन गाए, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि जनता को खुश करें। रमेश जी यादव साहब आपकी ओर से 101। आप फ्री हैंड है, आप फ्री हैंड होके गाए। अरुण जी यादव और सुरेंद्र जी यादव आपकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद। आइए हमने एक तारीफ भी सुनी है शिव तांडव की। हाँ ढाबा का लगा आइए जनता शांति बनाए रखें। एक आखिरी भजन सुन के जाए, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आखिरी भजन सुन के जाए, क्योंकि पहली बार इतने जल्दी फाइनल हो रहा है, नहीं तो फाइनल 2 बजे रात को होता है। इस बार टाइम से फाइनल हो रहा, आप लोग समय दें, आरती में शामिल होंगे और उसके बाद सब घर जाएंगे, प्रसाद लेना है सबको। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की ओर है, तो राम संस्था में ऐसा मानना है कि बिना गुजरिया के समापन नहीं होना चाहिए, तो आप ये बेहतरीन राम संस्था प्रतियोगिता में पहली बार ऐसी धुन सुनेंगे। जहां तक मेरे को पता है कि मैंने इस धुन को कभी किसी मंडल के मुख से सुना नहीं है। आपको भी मजा आएगा। कन्हैया ने गोपिकाओं को रोक लिया और देखिए दोनों में